हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय स्वामी नारायण एंड वेलकम बैक टू द चैनल योगी रिदम। कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पांच ऐसे ज्वेलरी सेट्स जो कि आपके कलेक्शन में होने ही चाहिए, जो कि मस्ट हैव ज्वेलरी सेट्स होते हैं। अगर ये सेट पांचों आपके पास हैं तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पार्टी हो, आप अपनी साड़ी के साथ अच्छे से इन्हें मिक्स एंड मैच कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के मेरे कलेक्शन में फर्स्ट सेट जो है वो है एक पर्ल सेट। यस, एक पर्ल सेट एक लेडी के कलेक्शन में मस्ट 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 होना चाहिए। बिकॉज पर्ल सेट ऐसा होता है जो लाइट कलर की अगर आपकी कोई भी साड़ी है, कोई भी कॉटन की अगर आपकी साड़ी है, तो उसके साथ बहुत अच्छे से जाता है। एंड प्लस कोई साड़ी ऐसी है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे पर्ल्स लगे हुए हैं, उसके साथ तो आप इसे पहन ही सकते हैं। एंड इसके इयररिंग्स देखिए, इतने छोटे हैं, आप इन्हें अपने ड्रेस मटेरियल के साथ, आपकी सूट के साथ, अनारकली के साथ भी आपको इनको अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल एज वेल एज फैशनेबल दोनों तरह का लुक देते हैं। इन दोनों डिजाइन से ये ट्रेडिशनल लुक देते हैं और इसकी जो स्मूथ सी, जो शाइनी से इसके पर्ल्स हैं, वो इसे एक फैशनेबल लुक देते हैं। तो ओवरऑल आपके पास ये पर्ल सेट तो होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा सेट क्या है मेरे कलेक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट सेट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी वो है एक गोल्डन डिजाइन, एक गोल्डन कलर में पूरा सेट हो, पूरा सेट गोल्डन हो, ताकि आपकी कोई भी साड़ी ऐसी हो जिसका बॉर्डर गोल्डन हो या जिसपे गोल्डन वर्क हो, तो इजीली यू कैन गो विथ दैट सेट। और देखिए इसका काम कितना सुंदर है, आप इसे नजदीक से देखिए, कितना सुंदर इसका वर्क लगता है, बहुत ही प्यारा है। एंड इसके इयररिंग्स, दे आर क्वाइट प्रेटी, बहुत ही सुंदर लगते हैं, एक डिफरेंट डिजाइन है ये। एंड हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, अगर आपके पास एक गोल्डन कलर का सेट है तो वो आपकी किसी भी गोल्डन बॉर्डर वाली, किसी भी लाइट गोल्डन शाइनिंग वाली साड़ी पर, और बहुत तरह की डिजाइंस ऐसी होती हैं जिनमें लाइट गोल्डन धागे का यूज होता है, उसमें आप इस सेट को पहन सकते हैं। शिमरी जो साड़ियां होती हैं उनमें आप इसको पहन सकते हैं। तो दिस इज अ मस्ट हैव सेट। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा सेट कौन सा है। सो द थर्ड सेट इज एक सिल्वर कलर का सेट, जो कि आप देख सकते हैं इतना प्यारा लगता है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास व्हाइट कलर में कोई ड्रेस है, या फिर आपके पास व्हाइट कलर में, ऑफ व्हाइट कलर में, लाइट फैब्रिक में, लाइट कॉटन में अगर कोई साड़ी है, तो आपके साथ आपके ये उस साड़ी के साथ ये सेट बहुत ही अच्छे से जाता है, बहुत ही प्रेटी लगता है। एंड लुक एट दीज इयररिंग्स, ये आपके जो सूट होते हैं, व्हाइट कलर का सूट हो गया, रेड कलर का सूट हो गया, उनके ऊपर ये इयररिंग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनमें सेट की जरूरत ही नहीं होती है, इनमें सिर्फ ये इयररिंग्स पहनिए एंड ग्रेट ऑप्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट था वो ये था कि आपको ये सिल्वर कलर का सेट आपके कलेक्शन में रखना ही चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की बॉर्डर वाली साड़ी पे पहन सकते हैं, लाइट कलर की साड़ियों पे पहन सकते हैं, कॉटन की साड़ियों पे बहुत ही अच्छे से जाते हैं ये सेट्स। एंड दैट्स इट फॉर दिस सेट। एंड चलिए अब देखते हैं चौथा सेट कौन सा जो है, जो कि आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए। ओके, तो हमारा जो फोर्थ सेट है, जो कि हमारे पास होना ही चाहिए हमारे कलेक्शन में, वो है ये डायमंड वाला सेट। एक्चुअली लाइटिंग्स की वजह से इसका कलर थोड़ा गोल्डन आ रहा है, बट इट इज प्योरली सिल्वर, आई मीन डायमंड जैसा ये है। देखिए, मैं आपको क्लोज व्यू देती हूं, ये देखिए। एक सेट ऐसा भी होना चाहिए जो हमारे पास झरी के वर्क की जो साड़ियां होती हैं उनके ऊपर तो हम लोग मोती वाला पहन लेते हैं या फिर सिल्वर पहन लेते हैं, बट जो ऐसी होती है ना हैंडवर्क वाली साड़ियां जो होती हैं और ट्रेडिशनल जो साड़ियां होती हैं उनके ऊपर पहनने के लिए, ट्रेडिशनल हैंडवर्क वाली जो हैवी साड़ियां होती है 5-5, 6-6 हजार की, जिनके ऊपर छोटे छोटे डायमंड्स का जो वर्क होता है, उनके ऊपर पहनने के लिए मतलब गले में इतना हैवी भी नहीं लगे और पूरा गला भी आपका भरा हुआ दिखेगा। और इसका ये जो स्टाइल है, ये आप देखिए, ये एक अलग टाइप का पैटर्न है, ये डिटैचेबल है, टूटा नहीं है ये एक अलग टाइप का पैटर्न है। और इसको आप इस कड़ी को निकालकर
सिर्फ इसे भी पहन सकते हैं जो कि हम बड़े सेट के साथ जो रानी हार के साथ पहनते हैं, एंड इसके अंदर पेंडेंट लगा के आप इसको इस तरह से भी पहन सकते हैं। और इसके साथ इयररिंग्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स आए हैं इसके साथ प्यारे से। एंड आई मस्ट से कि ये सेट आपके पास होना ही चाहिए डायमंड में और डायमंड वाली साड़ियों के साथ। और इसके इयररिंग्स ऐसे हैं कि आप आराम से इन्हें सूट के साथ भी पहन सकते हैं। एंड देखिए इसका वर्क, इसका डिजाइन इतना प्रेटी है, इतना डीप इसका डिजाइन है, बहुत ही प्यारा लगता है ये, देखिए। सो दैट्स इट फॉर दिस सेट। और अब हम देखते हैं अगला कौन सा सेट हमारे पास होना चाहिए कलेक्शन में। ओके, तो हमारे कलेक्शन का अगला सेट है वो है ये हैदराबादी मोतियों से बना है। देखिए इसके ऊपर लिखा भी है, मैं दिखाती हूँ आपको, हैदराबादी मोती। ये हैदराबादी मोतियों का सेट है। इसके साथ में एक ये पिन आती है साड़ी पे लगाने के लिए, एंड ये इसके इयररिंग्स हैं। मैंने एक निकाला है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये एक अलग सा ट्रेडिशनल लुक देते हैं। जस्ट लुक एट दिस, ये एक बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल लुक देते हैं। आप अगर आपने कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है तो उसके साथ ये बहुत ही अच्छे से जाता है। एंड ये बहुत ही सॉफ्ट सा है, देखिए इसको आप, इतने इसके मोती इतने सॉफ्ट हैं, इसे आप आराम से अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। ये देखिए इतना सॉफ्ट है ये, और जैसे ही खुलता है, और रुकिए मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारा सेट है ये, देखिए इस तरह से ये है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है, एकदम ट्रेडिशनल लुक देता है जो हमारे राजस्थानी जो हमारा पोशाक होता है उसके साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जो मैंने आपको सिल्वर कलर में जो दिखाया था ये वाला, ये आपका हमारे गुजराती जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसके साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। ये सारे जो सेट्स हैं ये आपके रेगुलर वेयर के साथ साथ ट्रेडिशनल वेयर के साथ भी अच्छे से मैच करेंगे, इसलिए आई वॉज टेलिंग यू कि ये सेट मस्ट हैव्स में की लिस्ट में आते हैं। ओके, तो चलिए इसको रखते हैं। एंड एक ऑप्शन मैं आपको और अलग से देना चाहती हूँ, और वो ऑप्शन है ये, आप इस तरह का पेंडेंट भी लाके रख सकते हैं, आप उसे किसी भी चेन में लगाइए। ये आपको एक छोटा मोटा, अगर आपने कोई सिंपल सी साड़ी पहनी है तो उसकी चेन के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का पेंडेंट्स भी लाके, एक चेन के साथ आपके बहुत सारे पेंडेंट्स ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड ये आपकी गोल्डन ड्रेस पे साड़ी पे चल जाएगा, गोल्डन डायमंड जिसके ऊपर लगे हैं छोटे छोटे से उसके ऊपर साड़ी पे भी चल जाएगा, सूट पे भी चल जाएगा। एंड और मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस तरह की छोटी मोती की माला भी लाके रख सकते हैं। ये आपकी जो प्लेन सिंपल सी साड़ीज होती हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से लग जाएगी, और आपके सूट्स के साथ भी ये बहुत अच्छे से चलेगी। तो आप एक ऑप्शन ये भी आपके पास रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज इस टाइप की एक पतली सी माला, जो आप इसको आप डेली वेयर में भी अपने घर में पहन सकते हैं, और ये थोड़ी सी लंबी रहती है तो ये अलग ही लुक देती है। छोटा सा मंगलसूत्र पहने अगर आप मैरिड हैं तो, और उसके साथ ये थोड़ी सी लंबी होती है, एकदम हल्की होती है, एंड इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भड़कीला सा लगे घर में पहनने में भी, बट इट्स वेरी कन्वीनियंट इन वेयरिंग डेली, बहुत ही अच्छी है ये। एंड आई हैव यूज्ड इट अलॉट, और इस तरह का ऑप्शन भी आप अपने पास रख सकते हैं। एंड एक ये सेट है, आजकल ये स्क्वायर वाले सेट बहुत चल रहे हैं, तो अगर आपको कलेक्ट करना है तो आप एक ये वाला भी अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। आप देखिए इसमें आपको रेड साड़ी पे चल जाएगा, ग्रीन साड़ी पे चल जाएगा, जो हमारी ट्रेडिशनल साड़ियां होती है जो हम पूजा वगैरह में पहनते हैं, और ऐसी कुछ साड़ियां होती है। देखिए इसकी इसकी लेस इस टाइप की है मोती वाली, और इसी तरह के कलर्स में है, तो जो लाल पीले कलर की हरे कलर की जो हमें साड़ियां पहननी होती है पूजा वगैरह में हवन वगैरह में, तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और इसके इयररिंग्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके
इसके इयररिंग्स कुछ इस तरीके के हैं, सॉरी ये देखिए, ये जो ये वाला है ना, इसके इयररिंग्स इस टाइप के हैं, बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह का सेट। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब करिए ज़रूर। सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल आइकॉन होता है, प्लीज़ उसे भी दबाइए। उससे क्या होगा कि मैं इस टाइप का कोई भी अलग वीडियो, नया वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसे देख पाएंगे। और ये एक नया चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।